गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 विद्युत धारा एवं परिपथ के बारे में। और सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज का युग विज्ञान का युग है और आज के इस आधुनिक युग में हमारे जीवन को जो यूजफुल बनाया है, आनंददायक बनाया है, सुखदायक बनाया है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। जी हाँ, हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस यूज होते हैं, चाहे बात हम फ्रिज की करें, टीवी की करें, रेडियो की करें, फैन की करें या वॉशिंग मशीन की, ये सभी जो अप्लायंसेस हैं, जिस चीज के द्वारा रन करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो यदि हम इस इलेक्ट्रिक करंट बहते हुए वायर को, डैमेज्ड वायर को या नेकेड वायर को हमने असावधानी वश इसे छुआ या छेड़ा, तो ये हमारे जान के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो आइए आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में। और सबसे पहले हम जानें कि आखिर तो हम जानते हैं कि विद्युत के दो स्वरूप होते हैं, स्थिर वैद्युत और धारा वैद्युत। स्थिर वैद्युत के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि यह विद्युत का वह स्वरूप है जिसमें विद्युत आवेश अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, और धारा वैद्युत में आवेश गतिशील होते हैं जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्लास स्टार्ट करते हैं हम एक एक्टिविटी से जो कि हमारी बुक में एक्टिविटी नंबर 1 के रूप में दिया गया है। टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस, सो ऑब्वियसली वी हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी। और प्यारे बच्चों, इसे आप देख सकते हैं यूट्यूब के इस लिंक में। इस एक्टिविटी को आप करेंगे और उसके बाद इसका कंसेप्ट समझेंगे। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में यह एक्टिविटी बता रही हूँ। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है कि इसमें हमने कुछ संयोजी तारे ली हैं, लोहे की किल, लकड़ी की छड़ या पेंसिल, एक विद्युत बल्ब और एक सेल लिया है, और डायग्राम नंबर ए, बी और सी के अनुसार हमने विद्युत परिपथ तैयार किया है। डायग्राम नंबर ए में देखिए, हमने सेल को कनेक्ट किया है लोहे की किल, और लोहे की किल के एक सिरे को विद्युत बल्ब के दूसरे सिरे को सेल के दूसरे सिरे से। डायग्राम नंबर बी में हम देखें तो यहाँ पर लोहे की किल की जगह हमने यूज किया है पेंसिल या लकड़ी की छड़, और डायग्राम नंबर सी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने परिपथ खुला रखा है। जब हमने इस एक्टिविटी को किया और उसके रिजल्ट या कंक्लूजन पर हमने नजर डाला तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? तो हमने देखा कि डायग्राम नंबर ए में जब हमने चालक तारों के साथ कोई ऐसा पदार्थ यहाँ पर था कि इसकी वजह से बल्ब जो है वह जलता है, ग्लो करता है, जबकि डायग्राम नंबर बी और सी में हम देखते हैं कि इस परिस्थिति में जो है बल्ब ग्लो नहीं करता। तो इस एक्टिविटी के आधार पर हम पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं, और इसे हम इस प्रकार बांटते हैं कि पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, चालक और कुचालक। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, उदाहरण धातुएं, हमारा शरीर आदि। और यही कारण है कि जब डायग्राम नंबर ए में हमने लोहे की किल लिया तो चालक तार साथ ही साथ लोहे की किल भी चूंकि सुचालक थी तो उस सुचालक में से होकर आवेशों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हुआ और जिसकी वजह से जो है बल्ब जो है ग्लो करता है। दूसरा प्रकार है कुचालक। तो कुचालक वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह अपने में से होने नहीं देते, जैसे कांच, मिट्टी, प्लास्टिक, लकड़ी। और यही कारण है कि जब हमने डायग्राम नंबर बी में जब हमने वहां पर लोहे की किल की जगह हमने पेंसिल या लकड़ी का छड़ लिया तो चूंकि ये कुचालक होते हैं, अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, इसलिए ही बल्ब जो है ग्लो नहीं करता। आइए अब हम विद्युत धारा का कंसेप्ट समझते हैं। तो यहां पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जिस प्रकार जल के बहाव के कारण जल धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वैद्युत आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत की धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पर जल की मात्रा आवेशों की मात्रा के अनुरूप है। साथ ही साथ हम यह भी ध्यान रखें कि जिस प्रकार पानी या किसी पदार्थ के कण होते हैं,
उसी तरह वैद्युत के कोई कण नहीं होते। क्यों? क्योंकि वैद्युत कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए जिस प्रकार पानी के कटे हुए पाइप से पानी का प्रवाह बाधित होता है, कटे हुए तार में से विद्युत का बहाव नहीं दिखता, बल्कि बहाव रुक जाता है। तो इस प्रकार हम यहां से डिफाइन करें वैद्युत धारा को कि वैद्युत धारा वह कुल आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र रूप में हम इसे लिखते हैं I, I मीन्स विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, आवेश के लिए सिंबॉल Q और समय के लिए T। वैद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। इसे हम A द्वारा, कैपिटल A द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। यहां पर हम डायग्राम में देखें तो जब यहाँ एक सरल परिपथ हमने तैयार किया हुआ है, इस सरल परिपथ में देखिए कि हमने लिया हुआ है एक बैटरी, बैटरी से एक लोड हमने जोड़ा है और यहाँ पर हम देखें तो तीर का चिन्ह जो है ये दर्शाता है वैद्युत धारा के बहने की दिशा, और वैद्युत धारा के बहने की दिशा सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा ऋण से धन की ओर होती है। तो इस प्रकार वैद्युत धारा का प्रवाह परिपाटी के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत लेते हैं, अर्थात वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धन से ऋण की ओर मानी जाती है। अब हम आइए डिफाइन करें वैद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को। तो समीकरण नंबर 1 में यदि हम आवेश का मान 1 कूलाम और समय का मान 1 सेकंड रखें तो हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा I इक्वल टू क्यू बाय टी से क्यू की जगह 1 कूलाम डिवाइडेड बाय टी की जगह 1 सेकंड। तो इस प्रकार 1 कूलाम पर सेकंड ही कहलाता है एम्पियर। और इस प्रकार हम वैद्युत धारा के मात्रक SI मात्रक एम्पियर को हम परिभाषित करते हैं कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि वैद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण को हम अमीटर कहते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं, सर्किट डायग्राम में यहां पर बैटरी के धन सिरे को हमने जोड़ा हुआ है अमीटर के धन सिरे से, और इसका दूसरा सिरा जो है लोड से होते हुए बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा है। अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत की मात्रा को दर्शाता है, और हमें यह ध्यान रखना है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। आइए अब इस लेसन पर बेस्ड कुछ अभ्यास प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न के रूप में हमारे सामने क्वेश्चन है कि अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है, क्यों? यहाँ हम डायग्राम से देख सकते हैं कि बैटरी का जो धन सिरा है वो अमीटर से जुड़ा हुआ है, अमीटर के धन सिरे से हम जोड़ते हैं, और इसका दूसरा सिरा लोड से होते हुए बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बैटरी से जो है परिपथ में अमीटर किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो ऐसा करने के पीछे आखिर क्या कारण है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है ताकि संपूर्ण विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता का मान बहुत कम होता है और इससे हमें उस चालक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा का एग्जैक्ट मापन प्राप्त हो जाए। कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे हमारे वीडियोस के माध्यम से। तो आइए अब हम वीडियोस के माध्यम से धारा के कंसेप्ट को समझते हैं, एम्पियर को परिभाषित करते हैं और साथ ही साथ इन प्रश्नों के हल ढूंढते हैं। तो आइए हम विद्युत धारा को डिफाइन करें।
विद्युत धारा वह कुल आवेश है जो चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से इकाई समय में गुजरता है। इसे हम इस प्रकार लिखें कि विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू बाय टी। यहां से हम डिफाइन करें कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, धारा का एसआई मात्रक, तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर और इसे कि हम कैपिटल ए के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ यह एक अदिश राशि है। इस प्रकार अब आइए हम यहां से डिफाइन करें एक एम्पियर या धारा के मात्रक को। तो यदि हम चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में से समय टी इक्वल टू वन सेकंड में यदि आवेश प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा वन कूलाम हो, तो यहां से हम देखें इक्वेशन नंबर वन से हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह वन कूलाम, समय समय की जगह हम लिखें वन सेकंड। तो इस प्रकार I इक्वल टू जो हमको मिल रहा है वन कूलाम पर सेकंड, और यही कहलाता है वन एम्पियर। तो यहां से हम डिफाइन करते हैं विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को, और इसे हम कहते हैं कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से एक सेकंड में एक कूलाम की धारा प्रवाहित हो, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा वन एम्पियर कहलाती है। यहां हमें यह ध्यान देना है कि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन हम अमीटर की सहायता से करते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की मात्रा को दर्शाता है। अमीटर के धनात्मक सिरे को सेल के धनात्मक सिरे से व ऋणात्मक सिरे को हम सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। इस स्थिति में धारा का प्रवाह अमीटर के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। चूंकि अमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में ही हम संयोजित करते हैं ताकि उसमें से होकर अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। अब आइए जो हमारे लेसन में दिया है एक क्वेश्चन, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 0.04 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को हल करें। तो हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर, मीन्स हमें धारा का मान दिया गया है 0.4 एम्पियर। साथ ही साथ यह दे रहा है, आगे हमें देता है कि यह धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। इट मीन्स हमें समय का मान दिया है 10 मिनट। मिनट को हम एसआई सिस्टम में बदलें तो सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा, और इसके लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार समय का मान हमें मिल जाता है 600 सेकंड। तो हमें फाइंड आउट करना है विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण, दैट इज हमें ज्ञात करना है क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने डिफाइन किया इक्वेशन नंबर वन से, हमारे पास सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर क्या, इसे हम लिख सकते हैं धारा गुणित समय। इस सूत्र में मान रखने पर क्यू बराबर धारा की वैल्यू 0.4 एम्पियर, समय का मान 600, दैट इज सॉल्व कीजिए इसको। तो ये हमें 6 4 24 20 और दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए यहां पर हम दशमलव लगाएं। तो इस प्रकार हमें Q की वैल्यू मिल जाती है 240 कूलम। तो ये हमारा आंसर होगा, अर्थात हमें मिल जाता है विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण 240 कूलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो अभी हमने डिफाइन किया, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट में से
एक कूलम आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा विद्युत परिपथ में यदि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो विद्युत परिपथ में यदि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनमें से होकर कम धारा प्रवाहित होगी। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।